भाई सुपर मैक्स में तो तगड़े तगड़े साइलेंसर लग जाएंगे, लेकिन स्प्लेंडर में कैसे लगेंगे? भाई टेंशन मत लो, लगेंगे, इसमें भी लगेंगे, लेकिन ऐसे वैसे साइलेंसर नहीं, ट्रैक्टर वाले साइलेंसर। जी हाँ, स्प्लेंडर का बॉडी कुछ ऐसा है कि उसमें जितनी मॉडिफिकेशन कर लो वो सब कम पड़ जाती है। तो हम तो कर रहे थे साइलेंसर की बात, चलो बताते हैं कि आखिर लगता कैसे और ये आखिर धुआं कैसे देता है। लगभग 6000 सब्सक्राइबर के काफी करीब हूं, आप जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि हम 6000 हिट कर सके। तो देखो स्प्लेंडर का जो नॉर्मल साइलेंसर आता है लोहे का, उसको हटा के इसमें लगाया जाता है स्टील का पाइप। इस साइलेंसर की कोई कंपनी नहीं होती है, क्योंकि ये स्टील की एक पाइप होती है जिसको डिजाइन देकर ऐसा बनाया जाता है। और धुआं देने का सिर्फ एक ही कारण है, इसकी कोई इंजन की खराबी नहीं होती है। इसमें ऊपर से डाला जाता है डीजल, जब इतना कर्रा वाला धुआं निकल पाता है। लेकिन कई लोग आप सोचेंगे कि बुलेट में भी तो इतना बढ़िया लगेगा ना ये सिस्टम। हाँ, तो एक बात सुन लो, इन दोनों के बीच में अंतर इतना है जैसे बिल गेट और चाय की टपरी डॉली। हाँ तो समझ आया तो ठीक है, वरना नहीं आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ो।